हमारे शरीर को हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कई विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है, और ये सभी विटामिन्स हमें हमारे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जो फूड्स हम लेते हैं वहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं। इनमें से किसी एक भी विटामिन का लेवल अगर कम हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। प्रत्येक विटामिन्स का हमारे शरीर के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक अहम भूमिका है। इनमें से कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्युबल होते हैं, और कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट सोल्युबल होते हैं। विटामिन ई जो है एक फैट सोल्युबल विटामिन है, और इसका हमारे शरीर के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है। मेल और फीमेल दोनों की कई ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें विटामिन ई जो है एक अहम भूमिका निभाता है। इसी विटामिन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या विटामिन ई के हमारे शरीर में फ़ायदे हैं और किन किन सोर्सेज से आप विटामिन ई को ले सकते हैं। साथ ही अंत में हम आपको इसकी डोज के बारे में बताएंगे, कितना विटामिन ई आपको हर रोज़ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले आपको बताते हैं विटामिन ई के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला जो विटामिन ई का फ़ायदा है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है विटामिन ई। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो संख्या है अचानक से बढ़ जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स और स्किन की कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इस कंडीशंस को, इन फ्री रेडिकल्स के असर को कम करने के लिए हमें एक एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है, और विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स के असर को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दूसरा जो विटामिन ई का फ़ायदा है वो है फीमेल हेल्थ के लिए। टीनेजर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले या मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में एक पेन होता है जिसको डिसमेनोरिया कहते हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंग्जाइटी यानी कि टेंशन को कम करता है। मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में जो क्रैम्प्स होते हैं, जो एंटन होती है पेट के अंदर, उसको भी ये उसके असर को कम करता है। साथ ही साथ पीरियड्स के दौरान जो ब्लड लॉस होता है उसको भी ये कम करता है। कुल मिलाकर विटामिन ई जो है आपके हार्मोन्स का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, हार्मोन्स के संतुलन को बनाता है, और उसकी वजह से ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इससे अगला जो विटामिन ई का फ़ायदा है वो है इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता। मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही विटामिन ई जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है इनफर्टिलिटी के अंदर। मेल्स के अंदर विटामिन ई जो है स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इसके साथ ही स्पर्म की जो स्पीड है उसको बूस्ट करके अंडे तक पहुँचने में स्पर्म की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें विटामिन ई जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और फीमेल के अंदर भी एक हेल्थी एग बनाने में विटामिन ई जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरह से विटामिन ई इनफर्टिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे अगला जो फ़ायदा है विटामिन ई का वो है स्किन के लिए। स्किन के लिए और बालों के लिए विटामिन ई के बहुत ही ज़्यादा फायदे देखने को मिले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बालों में विटामिन ई को डायरेक्टली अप्लाई भी करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोलेजन नाम का जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोडक्शन में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। कोलेजन हमारी स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो लचीलापन है, वो कोलेजन की वजह से मेंटेन रहता है, और हमारी स्किन का जो ग्लो है वो बना रहता है। हमें समय से पहले झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा विटामिन ई हमारे सीबम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। हमारा जो सीबम होता है स्किन में, उसके अंदर भी विटामिन ई जो है प्रेजेंट होता है, क्योंकि विटामिन ई जो है एक फैट सोल्युबल विटामिन है, और उसकी वजह से ये सनलाइट और जो हमारी स्किन है उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो सनलाइट की जो हार्मफुल रेज हैं उससे बची रहती है, हमारी स्किन ड्राई होने से बची रहती है, मॉइस्चर हमारी स्किन का मेंटेन रहता है, और हमारी स्किन जो है हेल्थी रहती है, ग्लो रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो फेस है वो ऑयली होता है, तो उनको जो सनबर्न की जो समस्या है वो बहुत कम होती है, वो उससे बचे रहते हैं। इसके अलावा बालों में भी विटामिन ए के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बालों के
टेक्सचर को मेंटेन करके रखता है, बालों को हेल्थी बनाने में और बालों की चमक जो है उसको मेंटेन करने में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। विटामिन ई के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको बाज़ार में देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम अपने चेहरे के लिए और बालों के लिए यूज़ भी करते हैं। इससे अगला जो फ़ायदा है विटामिन ई का वो है हार्ट के लिए। हमारे हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना और हार्ट के जो वेन्स हैं उनका टाइट होना, ये सभी कंडीशंस जो हैं हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का होता है उसको ये बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ ये हार्ट के जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हमारे जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है उसको भी मेंटेन करने में ये काफ़ी मदद करता है। तो इस प्रकार से विटामिन ई जो है हमारे हार्ट को हेल्थी रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। लंग्स के लिए अगर हम बात करें, लंग्स के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं विटामिन ई के। आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन की। पोल्यूशन की वजह से हमें अस्थमा, टीबी और लंग्स की कई ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे सांस फूलना है या लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना है, कई प्रकार की एलर्जी हमें पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। तो इन सभी कंडीशंस में हम बार बार बीमार पड़ते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा जो एयरवे है उसमें कई तरह के अवरोध पैदा हो जाते हैं। ये सभी कंडीशंस जो है पोल्यूशन की वजह से होती है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इसके अंदर होते हैं, ये जो है पोल्यूशन के असर को कम करता है और हमें बार बार बीमार होने से रोकता है। हमारे जो लंग्स की हेल्थ है उसको मेंटेन करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। लीवर के लिए अगर हम बात करें तो लीवर के लिए भी विटामिन ई के बहुत सारे फायदे हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में स्पेशली देखने में आया है रिसर्च के दौरान, ये पता चला है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है यानी कि अल्कोहल ना लेने के बावजूद भी अगर आपके लीवर के अंदर फैट जमा हो रहा है तो उसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की समस्या, मोटापे की समस्या, लीवर सोरेसिस या फिर लीवर का साइज़ बढ़ जाना, ये सभी कंडीशंस हैं जो हमें एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से हो जाती हैं। विटामिन ई जो है एक फैट सोल्युबल विटामिन है और नॉन अल्कोहलिक लीवर का जो फैट है उसको कम करने में, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। इससे अगला जो फ़ायदा है विटामिन ई का वो है कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें वो कुछ कुछ चीज़ों को जो है भूलने लग जाते हैं। जो चीज़ें हम आसपास देखते हैं, जो बातचीत हम करते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उसमें से भूलने लग जाते हैं। इस कंडीशन को अल्जाइमर कहते हैं। विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसके साथ साथ ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है और साथ ही साथ ये एक न्यूरोप्रोटेक्टर का काम भी करता है। कुछ कुछ बातों को भूलने की जो प्रॉब्लम आपको आ जाती है उसको भी ये कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को उम्र बढ़ने के साथ साथ कई ऐसी हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कमज़ोरी आ जाती है, जॉइंट पेन उनको होने लगता है और उनकी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो इन कंडीशंस में भी विटामिन ई जो है एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप ओल्ड एज में विटामिन ई को रेगुलर लेते रहते हैं तो ओल्ड एज में भी हेल्थ को मेंटेन करने में विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा रोल है। तो अभी हमने आपको विटामिन ई के कुछ फ़ायदों के बारे में बताया और अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज के बारे में। दोस्तों विटामिन ई का जो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम क्वालिटी का विटामिन ई जिसमें पाया जाता है वो है वीट जर्म ऑयल। वीट जर्म ऑयल का एक चम्मच अगर आप हर रोज़ लेते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं उनमें भी विटामिन ई जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप उसको लेते हैं तो आप विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप उसको तवे पर रोस्ट करके लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा विटामिन ई का सोर्स आपके लिए रहेगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको विटामिन ई इससे प्राप्त हो सकता है। बादाम के अंदर और मूंगफली के अंदर भी विटामिन ई की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एवोकाडो, मैंगो और कीवी के अंदर विटामिन ई जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, आप उसे ले सकते हैं। बाज़ार के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको विटामिन ई के देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो विटामिन ई के जो है सप्लीमेंट्स बनाती हैं और उन कंपनियों को ये दावे होते हैं कि वो जो है विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है, लेकिन
हम इन प्रोडक्ट्स को आपको एडवाइज़ नहीं करेंगे, हम आपको यही कहेंगे कि जितना हो सके विटामिन ई जो है आप नेचुरल सोर्सेज से लें, वो ज़्यादा अच्छा है। 200 और 400 मिलीग्राम में इसके कैप्सूल आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। तो डोज की अगर हम बात करें तो 400 मिलीग्राम विटामिन ई पर डे एक अडल्ट को काफ़ी होता है। 200 ग्राम के स्ट्रेंथ में भी ये अवेलेबल है। 200 से 400 मिलीग्राम की मात्रा आप हर रोज इसकी ले सकते हैं। किन किन कंडीशन में आपको विटामिन ई नहीं लेना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनको विटामिन ई जो है अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनको भी विटामिन ई अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चों को विटामिन ई नहीं देना है। अगर इसके अलावा आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं रेगुलर, तो विटामिन ई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन ई जो है एक फैट सोलेबल विटामिन होता है, अगर आप इसका यूज़ एक लंबे समय तक करते हैं तो ये आपके शरीर में अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर के अंदर ये जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 महीने से ज़्यादा विटामिन ई बिल्कुल भी ना लें, और अगर आपको विटामिन ई लेने से कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको होती है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करें, और अच्छी ना लगे तो भी आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।